ऑन एयर होने के बाद उनके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी भी ऑन एयर हो गई है। पहले खबरें आ रही थी कि कपिल ने टाइगर श्रॉफ का शूट कैंसिल कर दिया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने रानी मुखर्जी के हिचकी प्रमोशन को भी कैंसिल कर दिया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कपिल को शूट करने दोपहर 2 बजे आना था, वहीं रानी मुखर्जी को शाम 6 बजे आने का मैसेज दिया गया था, लेकिन रानी के यशराज स्टूडियो से निकलने से पहले ही उनकी टीम को शूट के लिए 8 बजे शेड्यूल करने का मैसेज दे दिया गया। इस पर भी रानी की टीम शूट के लिए तैयार थी, लेकिन आखिर में शूट को कैंसिल करने का मैसेज कपिल की टीम से आ गया। पिछले दिन बागी 2 प्रमोशन के लिए टाइगर को भी कपिल शर्मा के साथ शूट करना था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। इस पर कपिल ने सफाई देते हुए कहा था कि मेरा कोई शूट टाइगर के साथ था ही नहीं, ऐसे में उसे कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता। अब हिचकी की टीम का शूट कैंसिल करने की क्या वजह थी, इसकी सफाई पूरी टीम ने अभी तक नहीं दी है। बता दें, लंबे इंतजार के बाद कपिल शर्मा का नया शो दस्तक दे चुका है, पर शो को कुछ खास पसंद नहीं किया गया। लोगों ने तो सोशल मीडिया पर कपिल के इस नए शो की काफी धज्जियां भी उड़ाई, वहीं हाल ही में शो को बंद करने की खबर भी आई। अब ऐसे में शूट पे शूट कैंसिल, इस पर कपिल का रिएक्शन क्या है, इंतजार करते हैं। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और टीवी से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहें NMF न्यूज़।